देखिए, एक शहर है, एक शहर में एक फल है, उस फल का रंग बड़ा डिफरेंट है, उसका जायका बड़ा डिफरेंट है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो रंग सुर्ख नहीं है, सब्ज़ भी नहीं है, फिर क्या है, बस कोई दरमियान में है। कैसा है भाई, मैं आपको कैसे बताऊँ, क्योंकि आपने वो देखा ही नहीं है। अच्छा, जायका कैसा है, ना सेब है, ना किन्नू है, न अंगूर का है, अलग जायका है। वो कैसे डिफाइन करें, क्योंकि बहरहाल जब तक वो फल खाएंगे नहीं, आपको डिफाइन कैसे होगा। लज्जत इबादत बिल्कुल ऐसे ही है, जब तक इंसान खुद नहीं करेगा। मैं जितनी भी तस्वीरें खींच लूं आपके आगे, नहीं समझ में आएगा जब तक आप खुद नहीं तड़पेंगे उसकी बारगाह में जाने के लिए। जब तक बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मजनू गली गली भटकता रहा और पूछ रहा है कि लैला का घर कहाँ है। तो उससे किसी ने पूछा, भाई तुम कौन हो? कहा मैं मजनू हूँ। कहा मजनू होते हुए लैला का पता पूछ रहे हो, तुम्हें तो खुद पता होना चाहिए लैला कहाँ है। बात तो सही थी, फिर मजनू कैसा। जब पहुँच गया दरवाजे पे तो दरवाज़ा खटखटाया, नक्ल बाप किया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहा मैं। तो फिर आवाज़ आई, अभी तक मैं ही हूँ। तो यानी इसका मतलब है कभी इश्क नहीं हुआ सही तरह। फिर चला गया, कई अरसे बाद फिर पलटा, फिर पूछा कौन? कहा तुम। क्योंकि जब तक खुद को फना नहीं करेगा इश्क में मुब्तला कैसे होगा। जब मैं मेरी नींदें, मेरी ख्वाहिशात, मेरा आराम, मेरी ज़िंदगी, मेरा कुछ, तो फिर कहाँ परवरदिगार। जब मैं अपनी नींद को रात को हराम करूँगा तब ही तो मुझे कुछ मिलेगा। जाने मतलब मैं, पूरी दुनिया सो रही है, सो रही है, आप ही सो रहे हैं, तो कौन सा कमाल किया। सब सो रहे हैं, आप नरम बिस्तर को छोड़ें, दो रकात वजू करके दो रकात नमाज पढ़ें। कहें परवरदिगार सिर्फ तेरी खातिर, सिर्फ तेरी खातिर। क्यों? क्योंकि तू इबादत के लायक है। करबला हमारी जन्नत, करबला रोशनी है।